अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है चांद रात। चांद रात किस चीज की है मैं आपको बताता हूँ। कल सुबह डेक्रेटो फ्लूसी का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। मैंने आज से तकरीबन कोई 10 से 12 दिन पहले एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बताया था कि इटली के सीजनल वर्क परमिट आ रहे हैं, अपनी किस्मत ज़रूर आजमाओ। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई मेरी बात पर उन्होंने किया। सबसे पहले तो इन सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि इन लोगों ने यह एतबार किया। दूसरा नंबर क्या है, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि कोई भी एजेंट इस दुनिया में, कोई भी एजेंट कभी भी अपना सोर्स शो नहीं करता। लेकिन इस केस में मैं खुद जो यहाँ पे रात का इस वक्त 1:15 रात के हो रहे हैं, मैं इसको क्यों मॉनिटर कर रहा हूँ कि जो मैंने कमिट किया लोगों से, जो मेरा ट्रस्ट है लोगों पे, वो ट्रस्ट ब्रेक ना हो। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जरा कोई दुनिया में बंदा नहीं दिखाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पोर्टल है, ये वो लोग हैं सारे जिन्होंने ये काम करवाया, ट्रस्ट किया मुझ पर और इन लोगों से रब्ता किया और अपना ये प्रोसेस करवाया। ये वो पोर्टल है जिसको मैं बैठ के यहाँ पे मॉनिटर कर रहा हूँ। डायरेक्ट इन लोगों की ईमेल्स एम्प्लॉयर के पास जा रही है और एम्प्लॉयर की डायरेक्ट जहाँ भी अप्लाई हो रही है वो इन लोगों के पास जा रही है डायरेक्ट। दुनिया में कोई भी एजेंट ये नहीं करता। क्या करते हैं एजेंट, मैं आपको बताता हूँ। वो ये करते हैं कि बीच में अपनी ईमेल डालते हैं और आपका केस प्रोसेस कर देते हैं। फिर क्या होता है कि जो भी कम्युनिकेशन होती है एम्प्लॉयर से वो आती है एजेंट के पास। एजेंट उसको मैनिपुलेट करता है, जब उसको कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई अब तो इसका काम हो गया बंदे का, तो वो उससे एक्स्ट्रा चार्जेस मांगता है, एक्स्ट्रा पैसे मांगता है। फिर तो शोर हो जाता है ना यार, ये वर्क परमिट लोग 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार जो जहाँ फंसता है उसको भेज देते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, और ये जितने लोगों ने केस करवाया उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लोगों को बताएं, लोगों को शो करो यार, लोगों को इलम दो, नॉलेज दो लोगों को कि इस तरह से हमने इन लोगों से ये काम करवाया था और ये हमारे पास जो है वो सोर्स इन्होंने शो की है। हमारे पास एम्प्लॉयर से डायरेक्ट ईमेल्स आई हैं, जहाँ पे भी उन लोगों ने अप्लाई किया वहाँ से हमें डायरेक्ट ईमेल आई है, इटालियन में आई है, किसी के पास इंग्लिश में आई है, जो भी लैंग्वेज में आपके पास आई है। ये आप लोगों को अवेयर करो ताकि लोगों का जो ट्रस्ट एक ख़त्म हो गया ना, वो ट्रस्ट बिल्डअप हो। तो उसी पूरे ट्रस्ट वाले प्रोसेस को, क्योंकि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरी ज़बान पर ट्रस्ट किया, मैं आप लोगों के ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए रात को इस वक्त सब कुछ छोड़ के यहाँ पर बैठा हूँ और इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर कर रहा हूँ। जो टीम ये काम कर रही है उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। जो केसेस कुछ मैंने खुद भी देखे हैं केसेस, कुछ जो चीज़ें करवाने वाली थी जो मुझे लग रहा था एज बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस की अच्छी हो सकती है, इससे मजीद उसको अच्छा करवाया। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके साथ इन टच हैं। तो एम्प्लॉयर से डायरेक्ट कैंडिडेट के पास सारी की सारी चीज़ें जा रही हैं, पूरी डिटेल जा रही है। तो ये वो चीज़ है जो आपको पूरी दुनिया में किसी भी जो वीज़ा कंसल्टेंट्स होते हैं, जो वीज़ा का काम करते हैं, उनमें नहीं मिलेगी। शफाफियत जो है ना, शफाफियत आज के दौर में ट्रस्ट की सबसे ज़्यादा कमी है इस दुनिया में। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों में ट्रस्ट बालो, लोग ट्रस्ट करें। अगले 5 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। आज रात को ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सुबह जब पोर्टल खुलेगा और एम्प्लॉयर के पास इन तमाम लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स और CVs और एप्लीकेशंस कंप्यूटर से जो गई हैं ऑनलाइन इनके पास पड़ी होंगी, तो वो नोटिफाई होंगी, वो नोटिस में आएंगी, फौरन नोटिस में आएंगी। क्योंकि पीछे अगर जाती 5-7-10 दिन पहले जाती या 2-4 दिन पहले भी जाए तो हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन होती है, वो एप्लीकेशन कहीं दब जाती है, उनका कुछ पता नहीं चलता। लेकिन ये जो आज रात को एप्लीकेशन हो रही है, इस वक्त इटली में तकरीबन 11:20 हो रहे हैं, इस वक्त 11:20 इटली में हो रहे हैं। सुबह जब एम्प्लॉयर आएगा ऑफिस में, बैठेगा वो 9 बजे अपने ऑफिस में, और जब वो देखेगा तो सामने इन लोगों की एप्लीकेशन पड़ी हुई होंगी। तो ये राइट टाइम होता है जो कि राइट एक्सपीरियंस से आता है, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है और ये टीम भी बड़ी प्रोफेशनल है, एक्सपीरियंस वाली टीम है। तो यही डिसाइड हुआ था कि आपने टाइम का बड़ा ख्याल रखना है। जो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं उन लोगों का ट्रस्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। पूरी कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से अच्छा केस बनाया है, अच्छे से अच्छा टाइम चूज़ किया है, अच्छे से अच्छा सारे मामलात करके छोड़ दिए। अब अल्लाह पाक ने चाहा इंशाल्लाह रमज़ान का महीना, आप भी दुआएं करें, हम भी दुआएं करते हैं। तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि 82,705 इस दफ़ा जो है ना वो सीजनल वर्क परमिट है लोगों के, इटली के। तो देर आर हाई चांसेस, आप लोग भी जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया, नंबर मैंने पिछली वीडियो में भी डाले हुए अपने, इस वीडियो में मैं अगर मुझे टाइम लगा, टाइम बिल्कुल नहीं एडिट करने का, तो मैं डाल दूंगा, वरना आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे। आपने रब्ता करना है और अपने केसेस, अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाना है।
आपने ज़रूर ज़रूर आजमाना है। अल्लाह पाक देने वाला रोज़ी का राज़िक रब है, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, लेकिन कोशिश करना हमारे हाथ में। जो कोशिश हम पूरे तरीके से बैठ के कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छे तरीके से, जितना अच्छे से अच्छा हो सके, जितना शफाफ से शफाफ हो सके, जितना एतबार ज़्यादा हो सके, उस हिसाब से पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो मैं होपफुल हूँ इंशाल्लाह, आप भी होपफुल रहिए और पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, एतबार को बढ़ाइए, और ऐसा काम करें कि लोग कल को चार बंदे तारीफ करें आपकी कि हाँ यार ये जो बंदे ने बात बोली ये बात हुई। तो ये तमाम वो लोग हैं, इनका बहुत शुक्रिया इनके एतबार का। इनके पास डायरेक्ट एम्प्लॉयर से ही मिल जाएगी, कोई एजेंट बीच में नहीं, कुछ नहीं, जो होगा स्याह हो सफ़ेद हो जो भी होगा वो इनके सामने होगा, और वो खुद से उसको चेक करेंगे, खुद से वेरीफाई करेंगे और खुद से लोगों को बताएंगे। जितने लोगों ने करवाया है, ये बहुत बड़ी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, इन लोगों को भी मैं कहूँगा कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को गाइड करो, उनको अवेयर करो कि यार देखो काम तो आपने करवाना ही है ना, क्यों ना शफाफ काम करवाओ, ऐसा काम करवाओ जो सीधा एम्प्लॉयर से सोर्स आपको पता चल रही हो कि यार आपको कहाँ जा रही है आपकी सीवी वगैरह, कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, क्या मामला चल रहा है। सो ये मैं आप तमाम लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, और जो मुझे दूसरे जो लोग देख रहे हैं जो ये काम करते हैं वो भी, उनके भी रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ शफाफ रखें, क्योंकि यहाँ पे मजदूर तबका पता नहीं बेचारा कैसे अपना पेट काट के, कैसे अपनी चीज़ों को जोड़ तोड़ के आपको पैसे देता है, उसके एतबार को मत तोड़ें। क्योंकि इस ऑफिस में हर रोज़ ऐसे लोग आते हैं, हर रोज़, जिसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसा फंसा हुआ है, और वो बेचारा फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख तारीख मिल रही है, और यहाँ पे आके वो नाम भी लेता हूँ कि किस किस की बताओ। तो ऐसा काम मत करो भाई, एक दिन सबने चला जाना है, काम ऐसा करो जो सच्चाई वाला हो, सीधा साफ सुथरा काम, तो उससे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके बिजनेस में भी बरकत देंगे और आपके मामलात और आपका नाम, आपकी जो रेपुटेशन है वो भी बरकरार रहेगी। मुझे नहीं ज़्यादा दुआ में रखे, काम बहुत ज़्यादा है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सब के सब लोगों का सारा काम आज इंशाल्लाह अज़्ज़ावजल हो जाए, और वो फिर इंतज़ार करें इंशाल्लाह एम्प्लॉयर की तरफ से गुड न्यूज़ का, और जैसे ही उनको कुछ आती है तो उसके बाद का भी प्रोसेस मैंने बताया कि आपने इन्हीं लोगों से रब्ता करना है, आपको पूरा इंशाल्लाह आगे भी सपोर्ट करेंगे। ये नहीं है कि बस इन्होंने क्योंकि आपको अप्लाई करने का बोला है, एम्प्लॉयर तक पहुंचाने का बोला है, और उसके बाद ये हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, आपको बॉदर नहीं करेंगे, इंशाल्लाह ये आपको सपोर्ट करेंगे। जिसको भी ऑफर लेटर आता है, जिसको भी इंटरव्यू कॉल आती है, वो इनसे रब्ता करें, ये आपको एंड टू एंड वहाँ तक पहुँचा के रहेंगे इंशाल्लाह। और कोई जो गवर्नमेंट की फीसिस होंगी जो भी होगी वो आपके पास एम्प्लॉयर का खुद आएगा डायरेक्ट मामला, उसके अलावा इंशाल्लाह कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपसे नहीं लेंगे, ये मेरी आपसे वादा है इंशाल्लाह। और बस मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, वीडियो बनाने का और बताने का आपको ये मकसद था कि आपने मुझ पर एतबार किया, मैं आपके एतबार को इंशाल्लाह तोड़ने नहीं दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, लोगों को अवेयर करो, क्योंकि आज के दौर में एतबार की सबसे ज़्यादा कमी है। दुनिया में हर चीज़ है लेकिन एतबार का मसला है, तो एतबार लोगों में दिलाओ, एतबार लाओ, और वीडियो को शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और इंशाल्लाह अगले 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया वो ज़रूर अप्लाई करवाएं, नंबर दे रहा हूँ मैं इसमें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।